नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कोरोना से बचाव के लिए सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जा रही है। वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स आम हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी आ रहे हैं जो डॉक्टर्स की चिंता बढ़ा रहे हैं। COVID-19 वैक्सीन से कुछ मरीजों को ब्लड शुगर अचानक बढ़ रहा है, खासतौर से डायबिटीज के मरीजों में। बता दें कि हाल ही में वैक्सीन से ब्लड शुगर बढ़ने के कुछ 7 से 8 मामले सामने आ चुके हैं। मेडिकल जर्नल डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला ने 4 मार्च को कोविशील्ड की पहली डोज ली। फोर्टिस सी डॉक के अध्यक्ष के मुताबिक वैक्सीन से पहले इस महिला का ब्लड ग्लूकोज लेवल दवाओं और डाइट के जरिए बिल्कुल कंट्रोल में था, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद ये 1 महीने तक बढ़ा हुआ पाया गया। इसके बाद महिला की डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन की डोज को भी बढ़ाना पड़ा। बता दें कि वैक्सीन के बाद 3 दिन तक एक व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा, जो अपने आप धीरे धीरे सामान्य भी हो गया। वहीं ऐसे कई मामले और भी देखे गए हैं जहां वैक्सीन लगवाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, जो 15 दिनों में बिना किसी कोशिश के अपने आप ही सामान्य भी हो गया है। वैसे कोविशील्ड के आम साइड इफेक्ट्स में थकान, ठंड लगना, सिरदर्द, बुखार और फ्लू जैसे लक्षण हैं। कुछ लोगों में पेट दर्द, लिम्फ नोड्स का बढ़ना, खुजली या रैशेज होने जैसे लक्षण भी देखे गए हैं। हालांकि अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर होना या फिर ब्लड ग्लूकोज में किसी भी तरह का बदलाव वैक्सीन ट्रायल डेटा में नहीं दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिन मरीजों में शुगर लेवल बढ़ा हुआ पाया गया, वो अपने आप ही सही स्तर पर भी आ गया और इलाज में किसी तरह का बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि डायबिटीज के मरीजों को अचानक ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर बढ़ जाने को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। सचेत रहने से किसी भी बड़ी दिक्कत को रोका जा सकेगा। साथ ही ICMR ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाएं कोरोना की गंभीरता को बढ़ाती है। ब्लड प्रेशर की दवाएं दिल के लिए कारगर हैं। ये दवाएं हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर हार्ट फेल होने से बचाती हैं। ऐसे में वैक्सीन लेने के बाद भी डॉक्टरी जांच से बताए गए दवाओं का सेवन करना बंद न करें। उम्मीद करती हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।